अलवर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए नाइजीरियन गैंग का खुलासा किया है। यह गैंग ऑनलाइन ठगी की वारदातों में संलिप्त था। गत 9 अगस्त को शहर के अरावली विहार थाना इलाके में एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर से 72 लाख रुपए की ठगी की वारदात के बाद पुलिस को इस गैंग की तलाश थी। पुलिस ने मामले में 44 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने गैंग के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाइजीरियन शामिल हैं। गैंग ने अलग अलग प्रिटेक्स्ट पे उनको ठग लिया है ऑनलाइन माध्यम से, और एक लंबे समय से ये ठगी चली आ रही है। और उस ठगी के दौरान लगभग 70 लाख रुपए के आसपास उन्होंने अपने अकाउंट से अलग अलग खातों में ये पैसे ट्रांसफ़र किए, और बाद में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई उनके साथ ये ठगी हो चुकी है। इस पर मुकदमा दर्ज करके SHO अरावली विहार द्वारा तफ्तीश शुरू की गई, और इसके अमाउंट को देखते हुए एडिशनल SP ग्रामीण और उनके अनुपस्थिति में एडिशनल SP हेडक्वार्टर के निर्देशन में CO साहब साउथ, SHO अरावली विहार, SHO NEB और CIU की टीम और हमारी जो साइबर सेल की टीम है, इन्होंने लगातार मेहनत की और मेहनत करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाइजीरियन नेशनल्स हैं और 6 इंडियंस हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। तो इसमें अब तक ये खुलासा हुआ है कि इनके एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो फर्जी सिम लेकर अपनी गैंग चलाती है। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से